देश में जियो मोबाइल की धूम है, और जिस तरह से मुकेश अंबानी जी ने लोगों को फ्री में 4 महीने के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, ये बहुत अच्छी मुहिम है। और मुझे लगता है कि सारा देश डिजिटल इंडिया से जुड़ जाएगा, और जो मोदी जी का सपना था डिजिटल इंडिया का, वो बेशक पूरा होने की उम्मीद है। और हमें मुकेश अंबानी से उम्मीद है कि इसी तरह ग्राहकों को फायदा पहुंचाएंगे। मगर जिस तरह से मोदी जी अपने एक व्यक्ति विशेष एक खास कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं, और उनकी एड में मैंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया देखा, फ्रंट पेज पर उनका बहुत पूरा पेज कवर है जो उनका एड दिया हुआ है, वो मेरे अंदाज से जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है वो उसको गिराता है। और प्रधानमंत्री का जो एक इमेज है देश के सामने, आज तक मैंने कभी नहीं देखा, या सारे देश ने कभी नहीं देखा होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनकर या उस तरीके उसके ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम किया हो। मुझे बस इसका मैं बहिष्कार करता हूँ, इस तरीके से प्रधानमंत्री किसी खास विशेष कंपनी और किसी खास एक खास व्यक्ति के लिए काम करें, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। और प्रधानमंत्री को इसके लिए सोचना चाहिए, और ये देश के सम्मान और देश के व्यापारियों को के जज्बात को ठेस पहुंचाता है। मैं चाहता हूं कि प्राइस की जो लड़ाई है वो बिल्कुल बेहतर हो, मगर इस तरह से प्रधानमंत्री एक व्यक्ति विशेष के लिए लड़ाई लड़े वो बेहतर नहीं है।